हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड। सवाल उठता है कि जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग मतलब होता है कि इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कितने हैं, कैसे हैं, उसका कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी मतलब बायो मींस लिविंग, लॉगोस मींस स्टडी, यानी बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग बीइंग्स, यानी जिसमें हम जिंदा ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं, दैट इज फॉर बायोलॉजी। और सबसे पहले जो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया गया था अरिस्टोटल ने दिया था। अरिस्टोटल ने सबसे पहले बताया था कि जो चीजें क्या लिविंग होती है, क्या नॉन लिविंग होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर लिविंग है तो लिविंग कैसे उसको लिविंग बोलेंगे, और अगर नॉन लिविंग है तो क्या क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे उसमें उसको हम लोग नॉन लिविंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो चूंकि इस पूरे वर्ल्ड में इतना ऑर्गेनिजम्स है, डाइवर्स रूप में ऑर्गेनिजम्स है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, तो उसको कैरेक्टराइज करने के लिए बहुत सारे चीजों को बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश किया। तो सबसे पहले उसमें ये देखा गया कि कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है, प्लांट है, एनिमल है, एल्गी है, फंजाई है, इसमें किसको लिविंग में रखा जाए, किसको नॉन लिविंग में रखा जाए, जो भी सारी चीजें। तो उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक ग्रुप बनाया और उसमें उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया, एक कैरेक्टरिस्टिक दिया कि अगर कोई ऑर्गेनिजम्स लिविंग होगा तो उसमें कुछ बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा तो उसको हम लोग नॉन लिविंग कहेंगे, लिविंग उसको हम नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिविंग होने का, वो कैरेक्टरिस्टिक है ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है, 5 कैरेक्टरिस्टिक। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 कैरेक्टरिस्टिक वी कैन डिफाइन विच ऑर्गेनिजम्स इज लिविंग या विच थिंग इज लिविंग, विच थिंग इज नॉन लिविंग। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या ये 5 कैरेक्टरिस्टिक जो कंसीडर किया गया है, क्या ये पूरी तरह से लिविंग के लिए फुलफिल होता है या नहीं होता है। तो जब नहीं होगा तो वहीं से क्वेश्चन, चूंकि उसको बोलते हैं एक्सेप्शन से क्वेश्चन नीट में बहुत ज्यादा आता है। एक्सेप्शन से नीट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। तो पहला हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का सिंपल डिफिनेशन ये है कि अगर इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये स्पेशली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात अगर करें या मल्टीसेलुलर में भी कर सकते हैं, तो अगर इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड ग्रोथ। ये यूनिसेलुलर का बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन मल्टीसेलुलर में भी हम यही कह सकते हैं कि अगर उसका मास इंक्रीज कर रहा है, उसका नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। मल्टीसेलुलर के एग्जांपल करें प्लांट एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो उसमें सेल डिवीजन के थ्रू होता है, और ये सेल डिवीजन थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, ये हमेशा। लेकिन ह्यूमन के केस में अगर बात करें या एनिमल के केस में बात करें, तो एनिमल का सारा बॉडी हमेशा डिवाइड नहीं करता है, इसमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जैसे बोन मैरो। बोन मैरो सेल्स क्या होता है, वो हमेशा डिवाइड करता रहता है, और जो नए नए सेल डैमेज होते हैं वो क्या करता है, उसको बनाता रहता है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड हमेशा, ब्लड की लाइफ जो होती है 120 डेज होती है आरबीसी, तो आरबीसी 120 दिन के बाद बढ़ जाएगा, तो नया आरबीसी कौन बनाएगा, तो वो कैसे बनता है, वो बोन मैरो के थ्रू बनता है। तो बोन मैरो एक ऐसा हमारे बॉडी में ह्यूमन के केस में है, या और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं जो डिवीजन का काम करते हैं, यानी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, लेकिन अब इसका एक्सेप्शन की बात करें कि अगर क्या जितने भी नॉन लिविंग होंगे क्या उसमें ग्रोथ नहीं होगा, यानी अगर ये क्राइटेरिया लिविंग के लिए है कि ये जो ग्रोथ होगा वो सिर्फ लिविंग में होगा, तो इसका मतलब है कि नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होता है। तो इसका एक्सेप्शन ये है कि आप रेनी सीजन में देखते होंगे कि जो विंडो, वुडन विंडो एंड वुडन डोर्स जो होते हैं वो थोड़ा स्वेल कर जाते हैं, यानी उसमें ग्रोथ होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वो ग्रोथ जो हुआ, तो ग्रोथ तो हुआ, फाइनली ग्रोथ फाइनली हुआ, इसका मतलब
कि नॉन लिविंग भी कुछ ऐसे हैं जिसमें ग्रोथ होता है। इसलिए जो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ, ये पूरी तरह से ये फुलफिल नहीं करता है, यानी 100% चूंकि इसका एक्सेप्शन है और ये 100% ग्रोथ को यानी लिविंग को डिफाइन नहीं कर रहा है। यानी नॉन लिविंग में भी अगर ग्रोथ हो रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये 100% लिविंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक है, यानी लिविंग को ये डिफाइन करेगा। तो ग्रोथ का एक्सेप्शन यही है, ठीक है, कि रेनी सीजन में ग्रेडिएंट डोर एंड ग्रेडिएंट विंडो स्वेलिंग कर जाता है या ग्रो कर जाता है, लेकिन वो है क्या, नॉन लिविंग, ठीक है। अब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक आते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन की अगर बात करें, लोकोमोशन या मूवमेंट दो तरह की बात होती है। मूवमेंट की बात अगर करें इसमें, तो मूवमेंट क्या है, जैसे मैं इसे कराऊं एक जगह, ये अगर मैं सर को इस तरह से मूव कर रहा हूं, ये हाथ को इस तरह से मूव कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। लेकिन अगर मैं अपने स्पेस पोजिशन चेंज कर रहा हूं, तो अगर पोजीशन आप चेंज कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो लोकोमोशन या मूवमेंट की हम बात करें कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मूवमेंट या लोकोमोशन होगा, तो ये लिविंग होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कोई लोकोमोशन नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसके एनिमल्स की भी बात है, अगर बात करें कोरल एंड स्पंज, कोरल एंड स्पंज का बारे में बोला जाता है कि जहां वो पैदा होता है, एनिमल्स है, जहां पैदा होता है वहीं मर जाता है, यानी ना तो उसका मूवमेंट होता है ना उसका लोकोमोशन होता है। यानी ये भी क्राइटेरिया में क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया। तो ये क्राइटेरिया, ये लोकोमोशन वाला क्राइटेरिया भी लिविंग को फुलफिल पूरी तरह से नहीं कर रहा, ओके। तीसरा है रिप्रोडक्शन या सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करे, यानी अपना नंबर बढ़ाए, या रिप्रोडक्शन मतलब अपना नंबर बढ़ाए, एक से दो, दो से चार जो नंबर है वो अपना नंबर अगर बढ़ाए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो लिविंग का होगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में क्या है, इसका सिंपल सा डेफिनेशन की बात करें अगर, तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स, यानी अगर रिप्रोडक्शन होगा तो जो न्यू प्रोजेनी बनेगा मोर और लेस, जो भी सिमिलरिटी आएगी अपने पेरेंट्स के जैसा होगा या पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात अगर करें, वो रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करता है, अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। जैसे सपोज करो, अब क्वेश्चन एक सिंपल सा पूछा जाए कि जो ये हमारा नाक है क्या कहीं से मुड़ के आ गया क्या, पिताजी का नाक मान लो, मेरे पिताजी का नाक मेरे जैसा है, तो क्या मेरे पिताजी का नाक मुड़ के मेरे पास आ गया, तो नहीं। वो क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन डीएनए में होता है, ये नाक वाला की नाक की हाइट कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, वो इन्फॉर्मेशन डीएनए पे लोकेटेड रहता है, उसी को बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर नॉज, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर ईयर, ये सारे बॉडी का जो पास है, कुछ मदर से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आता है और हाथ जो है वो फादर से आता है, और दोनों मिलकर 100% हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी होता है, हमारे मदर फादर से या पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है। तो दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन टू टाइप्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, यानी दो पेरेंट की जरूरत नहीं होती। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है, और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स या जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा, जो उसका चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, वो 100% सिमिलर होगा किसके, अपने पेरेंट्स के, जो एक पेरेंट्स है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करें, ओनली वन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ओनली, यानी इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट बॉडी का, कोई वेजिटेटिव पार्ट मान लीजिए हमने कटा, एक नया सीन बन के तैयार हो, मेरा नाक का टुकड़ा कटा, एक नया सीन बन के तैयार हो, दिस इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे प्लांट में देखते हैं, कोई प्लांट क्या करते हैं, कट करते हैं स्टेम, जैसे हिबिस्कस रोजासिनेंसिस जिसको क्या बोलते हैं, गुड़हल, ठीक है। तो गुड़हल का प्लांट क्या करते हैं कि अगर जिसको चाइना रोज इंग्लिश में बोलते हैं, चाइना रोज का प्लांट काटिएगा और उसका स्टेम काट के कहीं से निकाल लगा दीजिए,
अब उसमें जितने भी वो चाइना का जब नया प्लांट बना तो वो जितने भी उसमें फ्लावर्स आएंगे वो सिमिलर अपने पेरेंट्स जहां से उसका स्टेम लाए हैं उसी के जैसा होगा। सुगर केन आपके यहां देखते हैं, सुगर केन का जो प्लांट है उसको कट करके छोटे छोटे पीस में कर दिया जाता है, उसके बाद उसपे जो प्लांट ग्रो करेगा वो जहां से उसको लाए उसका पेरेंट वैसा ही उसमें भी क्या होगा उसमें डेवलप होगा। रोज रोज की बात है, रोज को स्टेम का कट करके लगा दीजिए वो रोज उसमें जो निकलेगा वो अपने पेरेंट के जैसा होगा, यानी कह सकते हैं कि चूंकि उसमें सिर्फ रोज का एक ही प्लांट इन्वॉल्व हो रहा था और एसेक्सुअल पार्ट इन्वॉल्व हो रहा था, सेक्सुअल पार्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजीनी प्रोड्यूस होता है वो हमेशा अपने पेरेंट के 100% सिमिलर होता है। दूसरे भाषा में इसको हम क्लोन भी बोल सकते हैं, यानी जो प्रोजीनी है अपने पेरेंट्स का क्लोन होता है। क्लियर? तो अब इसमें टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके किसके थ्रू हो सकता है। स्पोर्स, स्पोर्स में क्या होता है, ये छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस करता है और ये स्पोर्स ग्रो करता है बाद में नया बना देता है नया ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल फंजाई, फंजाई के केस में जिंदगी स्पोर्स के थ्रू होता है, बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं और वो क्या होता है वहां पे जमीन पे गिरता है मॉइस्ट एरिया में, वहां पे नया फंजाई डेवलप हो जाता है। दूसरा है बडिंग, बडिंग में जो क्या होता है ये बॉडी पार्ट है हाइड्रा का, इसमें एक छोटा सा पार्ट बाहर निकला उसी को बोलते हैं बडिंग। ये क्या वो बाद में डिटैच होता है, ये बर्ड बाहर निकलता है फिर नया हाइड्रा को बना देता है, दिस इज कॉल्ड बडिंग। तो बडिंग में भी हाइड्रा और ईस्ट में होता है, ईस्ट में क्या होता है कि ये बहुत सारा इस तरह से रहेगा है ना, इस तरह से बहुत सारा रहता है और ये क्या होता है ये एक सिंगल पीस को क्या बोलते हैं बर्ड, ये निकलेगा और इसी को क्या बोलते हैं बर्ड, ये बर्ड निकलेगा और फाइनली ये न्यू क्या करेगा न्यू पीस बना है। ओके यार, तो ये ईस्ट और हाइड्रा में बर्डिंग के तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू द बर्डिंग, या दूसरे तरह से पूछेगा इन हाइड्रा या इन ईस्ट द रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू बर्डिंग। तो ये दोनों क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछेगा, ये थोड़ा ध्यान देना है। तीसरा है रीजनरेशन। अच्छा, दो चीज याद रखना है, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन का मतलब सिंपल सा समझिए, आपने रावण का नाम सुना होगा, राम जब उसका उसका गर्दन उड़ाते थे तो फिर से उसका गर्दन आ जाता, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। क्लियर समझ में आया? यानी अगर हमारे कोई बॉडी का पार्ट जिसे मान लीजिए अंगुली है, ये बॉडी पार्ट अगर कट गया और फिर से वो अंगुली बढ़ जाए, चिप लिजार्ड हाउस लिजार्ड देखते हैं उसकी पूछ कट जाती तो फिर से आ जाती, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। और फ्रेगमेंटेशन, तो रीजनरेशन किसी मतलब प्लेनेट है जिसको फ्लैट वर्म बोलते हैं, फ्लैट वर्म में ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है। तो दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की बात अगर करें कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसको आप चाकू से जितने टुकड़े करने हैं कर दीजिए, और अगर हर एक टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले, आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं, फ्रेगमेंटेशन मतलब पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, बहुत सारे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, एंड ईच फ्रेगमेंट इज कन्वर्टेड इनटू न्यू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन इज हाइड्रा। बेस्ट एग्जाम्पल हाइड्रा है, और भी है फंजाई, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। यानी हाइड्रा को इमॉर्टल बोला जाता है, इमॉर्टल मतलब अमर, ये कभी मरता नहीं है, इसको आप जितना काट दोगे जितने पीस हैं वो उतने पीस में कन्वर्ट हो जाएगा, उतना हाइड्रा बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और लास्ट है सेल डिवीजन। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन के थ्रू होता है, मतलब एक सेल है एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, इस तरह से डिवीजन होता रहता है। तो किसमें किसमें होता है, अमीबा, यूलिना, एल्गी, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है उसमें सेल डिवीजन के थ्रू क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब दूसरा बात करें तो एसेक्सुअल का बात हो गया, अब बात करते हैं सेक्सुअल का। तो सेक्सुअल सीधे इसका उल्टा होता है, जो भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ा, वन पेरेंट, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मेल एंड फीमेल होगा, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें गैमेट, इसमें जो गैमेट होगा वो जनरली दो हैप्लॉयड होता है, वो मिलकर क्या बनाता है जायगोट बनता है। यानी इसमें जायगोट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसमें क्या था जायगोट का कॉन्सेप्ट, जायगोट फॉर्म होता है। तीसरा, इसमें चूंकि अलग अलग गैमेट दो मदर से दो पेरेंट से आ रहा है, एक मदर से एक फादर से, तो इसमें क्या होगा वेरिएशन होगा, चेंजिंग होगा। यानी इसमें जो मैंने डिफिनेशन लिखा है, मोर और लेस सिमिलर, मोर सिमिलर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेस सिमिलर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कोई चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि
उसमें ज्यादा वेरिएशन आएगा, वह अपने पेरेंट से ज्यादा डिसिमिलर होगा। क्लियर? तो ये और स्पेशली इट्स अकर्स मोस्टली इन एनिमल्स एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर केस में होगा जो हायर एनिमल्स हैं, जो अपर लेवल्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है उसमें होगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होगा, नहीं तो फिर एनिमल्स में होगा। एंजियोस्पर्मिक प्लांट सबसे हाईएस्ट लेवल के प्लांट है, सबसे डेवलप्ड प्लांट होता है और सबसे एडवांस प्लांट होता है, इसीलिए इसमें ये होगा। और जितना ज्यादा पीछे चलते जाएंगे, प्रिमिटिव होते जाएंगे, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल। जो प्रिमिटिव होता है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो एडवांस होता है कॉम्प्लेक्स होता है उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन इसके भी क्या है, एक्सेप्शन है। इसके एक्सेप्शन क्या है, जैसे म्यूट खच्चर जिसको बोलते हैं, म्यूट जो बनता है वो डंकी, डंकी मतलब मेल, एस गधा जो होता है वो मेल होता है, और मेल जिसको फीमेल हॉर्स भी बोलते हैं। तो फीमेल हॉर्स और मेल एस के बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो जो बनता है ये म्यूट बनता है, और ये म्यूट क्या होता है, एस्टराइड होता है, यानी ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं होगा, बल्कि ये दोनों केस में क्या होता है, हमेशा जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो फर्टाइल बनते हैं, यानी रिप्रोडक्शन के थ्रू अगला ऑर्गेनिज्म जो बनेगा, जैसे मान लीजिए हमारे हमारा ऊपर का जनरेशन दादा, फिर हमारे पिताजी, फिर हमारा आगे का, अगर हम इनफर्टाइल हो गए तो हमारा आगे का जनरेशन ब्लॉक हो गया। तो यहां पे क्या, चूंकि डोंकी और मेल दोनों अलग अलग स्पीसीज होते हैं, जिसकी वजह से ये म्यूट जो होता है वो फर्टाइल नहीं होता है, और फर्टाइल नहीं होने की वजह से ये आगे का जनरेशन कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो ये स्टेराइल होता है। दूसरा स्टेराइल वर्कर बी, अब बी की बात करें, मधुमक्खी जिसको बोलते हैं, तो मधुमक्खी में तीन तरह के उसमें प्रजातियां होती है, स्पीसीज होते हैं। फर्स्ट स्पीसीज क्वीन जो डिप्लॉयड होता है और ये फर्टाइल होता है, दूसरा होता है वर्कर, ये भी डिप्लॉयड होता है लेकिन ये स्टेराइल होता है, और तीसरा ड्रोन जो है प्लॉयड होता है और फर्टाइल। तो मेन काम ड्रोन और क्वीन का होता है, वर्कर का काम सिर्फ प्रोटेक्शन करना होता है। तो इसमें हम लोग जब अपना एनिमल किंगडम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा, वहां पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे बी के बारे में डिटेल में, कि कैसे बी में ये तीनों हो जाता है। यहां पर बस ये जान लीजिए कि जो वर्कर होता है डिप्लॉयड होता है लेकिन स्टेराइल होता है, और ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स बहुत सारे आप गांव में देखते होंगे कि दो कपल्स हैं, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ है फैमिली में, तो निसंतान है वो, ठीक है, उनके पास कोई चाइल्ड नहीं है। तो उन ये सब जो है ये एक्सेप्शंस हैं जिसके रिप्रोडक्शन के, यानी रिप्रोडक्शन भी कहने का मतलब जो लिविंग होगा उसमें रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होने की वजह से रिप्रोडक्शन भी 100% ये नहीं डिफाइन कर पाता है कि रिप्रोडक्शन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर हुआ? तो ये जो क्राइटेरिया है रिप्रोडक्शन का, इसमें भी एक्सेप्शन है, और इसके बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि कोई लिविंग अगर है तो उसमें रिप्रोडक्शन होगा ही, तभी हम उसको लिविंग कह सकते हैं। क्लियर? दूसरा पार्ट है सेल्फ ऑर्गेन, जो कि ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर होगा तो उसमें सेंस ऑर्गेन्स या सेंस ऑफ स्टिमुली जरूर उसमें होगा, यानी जैसे हम लोग कोई टच करता है तो कैसे हम लोग, या कोई सुई चुभो देता है तो हम लोग कैसे वो करते हैं, हाथ हटा देते हैं, या कहीं गर्म लगता है या हॉट है कोल्ड है, हम लोग का वो जो सेंसेशन हमारा बॉडी लेता है उसी को क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गेन्स। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, जैसे प्लांट्स में अगर लाइट देंगे तो उसकी लीफ अलग तरह से मूवमेंट करेगी, पानी देंगे तो अलग तरह से मूवमेंट देंगे, टेम्परेचर देंगे। बेस्ट एग्जाम्पल अगर प्लांट में देखना है, फिर प्लांट होता है टच मी नॉट प्लांट, जिसको बोलते हैं हिंदी में छुई मुई प्लांट, तो उसको आप टच करेंगे देखेंगे क्या उसका जो लीव्स है सिकुड़ जाएगा। तो अगर बेंड कर जाता है उसका लीव्स, तो ये सब क्या है, सेंस ऑर्गेन्स का एग्जाम्पल्स है। तो प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, लिविंग थिंग्स का, यानी कोई भी लिविंग होगा उसमें एक सेंस ऑर्गेन्स डेवलप होगा, और वो स्टिमुली के अगेंस्ट में वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है? अब तो इस लेकिन इसमें जो बात करें सेंस ऑर्गेन का, इसका भी एक्सेप्शन है। जैसे कोई कोमा में आदमी होता है ह्यूमन, तो उसमें क्या होता है, आप उसको कितना ही स्टिमुली दीजिए, किसी भी पिंच हो या कुछ भी करिए, उसका रिस्पॉन्स नहीं वो देता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन डेड होता है, और उस कंडीशन हम कह सकते हैं कि वो है जिंदा, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कह सकते हैं कि इसमें सेंस ऑर्गेन्स काम नहीं कर रहा है। तो क्या इसका मतलब, जो वो आदमी है क्या वो नॉन लिविंग है?
तो नहीं हम नहीं कर सकते, तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। और पांचवा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म्स जो है, मेटाबॉलिज्म्स का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी जो होता है बहुत सारे केमिकल्स के बने होते हैं, और वो केमिकल्स आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और उस रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं या वो सारे प्रोडक्ट्स टूटते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म, यानी द केमिकल रिएक्शन एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, कैटाबॉलिज्म है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जब बड़ा मॉलिक्यूल्स जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलता है और वो क्या बनता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स। या इसका दूसरा एग्जाम्पल सेडियम कर सकते हैं कि जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में आता है वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर किसमें, H2O और CO2 में रेस्पिरेशन के थ्रू कन्वर्ट होता है। लेकिन एनाबॉलिज्म्स में कोई प्लांट्स की अगर बात करें तो वो क्या करता है, CO2 और H2O का इस्तेमाल करके और वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाता है, ग्लूकोज। यानी छोटे मॉलिक्यूल मिलकर ग्लूकोज बनना इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, और वही ग्लूकोज का टूट के H2O और CO2 में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। यानी लार्जर मॉलिक्यूल अगर टूटे तो उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स अगर बने तो उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। मतलब स्मॉलर मॉलिक्यूल मिलके लार्जर मॉलिक्यूल बनाए तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म ये है। इस ये मेटाबॉलिज्म मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर कोई लिविंग होगा तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, यानी इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। और हम इसमें आराम से समझ सकते हैं कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। क्लियर? तो ये सबसे बेस्ट है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने के लिए कि अगर कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर मैं चुनना हो तो वो होगा मेटाबॉलिज्म। यानी लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म होगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर? तो ये मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट में एडेप्ट करता है, तो कि कोई ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है उसमें एडेप्टेशन का पावर होता है, वो किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट में एडेप्ट कर सकता है। तो एडेप्टेशन भी एक तरह का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे अगर हम टाइप का देखें, एक शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन की बात करें तो हालांकि ये तो आएगा, ये आ जाएगा डायवर्सिटी में, लेकिन हम इसको क्या नाम है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी एक कैरेक्टरिस्टिक में शामिल कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन की बात करें तो जो और लिविंग होगा वो एडेप्टेशन करेगा। तो अगर शॉर्ट टर्म जैसे हम लोग देखते हैं कि शाम में सर्दी के दिनों की अगर बात करें या गर्मी के दिनों की बात करें, तो सर्दी जब लगती है तो क्या होता है, हम लोग रात में कंबल के नीचे चले जाते हैं, फिर दिन में निकलता है तो हम लोग फिर चले जाते हैं बाहर घूमने लगते हैं। दूसरी बात देखते होंगे कि गर्मी के दिनों जब बाहर निकलते हैं तो आपका जो स्किन है वो ब्लैक हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मिलेनिन। मिलेनिन एक तरह का पिगमेंट्स है जो हमें सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। तो वो मिलेनिन जब हम बाहर निकलते हैं सनलाइट में तो वो क्या होता है, आ जाता है, और फिर जैसे ही हम लोग फिर शैडो में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो मिलेनिन फिर से डिस्पर्स कर जाता है, यानी फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये चूंकि जितना देर गया उतना देर काम किया, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। जैसे कोई भी काम अगर बात करें, जैसे क्लॉथ बर्ड में होता है, तो बर्ड क्या करता है, उस क्लॉ का बहुत सारा इस्तेमाल करता है। जैसे लायन की बात करें तो उसमें भी क्लॉ होते हैं, वो भी इस्तेमाल करता है किसके लिए, शिकार करने के लिए। तो ये सब लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन है। अगर ये बहुत ये मतलब अगर आ गया तो ये लंबे दिनों में ये जल्दी डिसअपीयर नहीं होता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। जैसे अब इसी में एडेप्टेशन की बात करें, बहुत तरह का जो एनिमल होता है वो बहुत उड़ने वाला होता है, वो भी एडेप्टेशन। इनको एडेप्टेशन के लिए उसमें क्या होता है, पंख आ जाता है। दौड़ने की बात करें तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत फास्ट रनर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे मसल्स डेवलप हो जाते हैं ताकि वो बहुत फास्टली रन कर सके। और तो इसी तरह से इसका एग्जाम्पल्स है, जैसे वॉलेंट, वॉलेंट मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो फ्लाई कर सके उसको वॉलेंट बोला जाता है, यानी ये भी एडेप्टेशन का टाइप है। नेटेटोरियल बोलते हैं, जो
किस वैसा ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहने के लिए उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाए उसके बॉडी में, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एडेप्टेशन। कर्सोरियल मतलब जैसे चीता हो गया या और भी जो एनिमल्स जो फास्ट रनिंग करते हैं, दैट इज फॉर द कर्सोरियल टाइप ऑफ एडेप्टेशन। और फुसोरियल वैसा ऑर्गेनिजम्स जो अंदर में जमीन के नीचे बिल बना के रहे, जिसको बोलते हैं फुसोरियल, यानी बरो बना के रहता हो, दैट इज फॉर फुसोरियल टाइप ऑफ एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो उसको एनर्जी चाहिए, यानी एनर्जी के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग नहीं रह सकता। क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ये पूरा हो गया हमारा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, और बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक हुआ क्या, मेटाबोलिज्म। क्योंकि मेटाबोलिज्म के अंदर ही एनर्जी आ जाता है, क्योंकि मेटाबोलिज्म होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और उस एनर्जी का इस्तेमाल वो ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा, अपने लाइफ प्रोसेस के लिए करेगा। क्लियर। अब आ जाते हैं, एक टर्म है डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डायवर्सिटी की बात अगर करें तो बहुत सारे, चूंकि डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चूंकि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यू कर सकते हैं, जैसे अबाउट ह्यूमन बींग्स हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, तो जितने टाइप ऑफ लिविंग बींग्स हैं, दिस इज कॉल्ड द क्या, डायवर्सिटी। यानी डायवर्सिटी की बात करें तो डायवर्सिटी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन या कम्युनिटी इज कॉल्ड द डायवर्सिटी। और पूरे वर्ल्ड में अभी तक रेंज जो करता है डायवर्सिटी का, वो 1.7 टू 1.8 मिलियन के बीच में करता है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट ये लाइन एनसीईआरटी का यही सूखा क्वेश्चन डाल देगा। तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक जो पूरे वर्ल्ड में है वो प्रेजेंट है, जो जिसकी जानकारी हमें है। अब बात करते हैं बायोडायवर्सिटी। डायवर्सिटी में सारा चीज आ गया, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग सबकी बात करते हैं, लेकिन स्पेशली बायोडायवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डायवर्सिटी को बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। यानी इसको अगर डिफाइन करना हो तो द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, पूरे अर्थ के जितना नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी। और ये बायोडायवर्सिटी इसलिए होता है क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन, जैसे मान ले सपोज करिए कि हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग इंसान हैं तो अगर कुछ ऐसे रीजन में चले जाए जहां पे लोग शाकाहारी हो, सिर्फ वहां पे वेजिटेरियन लोग सर्वाइव करें, तो वो क्या करें, एक ही मान लीजिए एक ही पिताजी के चार बच्चे हैं, एक चला गया साउथ, एक चला गया हरियाणा, एक चला गया नॉर्थ में, एक चला गया ईस्ट में, तो क्या होगा, ईस्ट वाला कुछ और खाना शुरू कर देगा, साउथ वाला कुछ और खाना शुरू कर देगा, हरियाणा वाला कुछ और खाना शुरू कर देगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो जो अलग अलग हैबिटेट में गया, इसको बोलते हैं स्पेशिएशन या सेपरेशन। तो ये स्पेशिएशन जो हुआ, अलग अलग जगह पे गया, या कोई अमेरिका चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई कहीं और चला गया, जिसकी वजह से उसमें चेंजेस आया, और उस चेंजेस की वजह से वहां नेचर उसको सेलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन। और उस नेचुरल सिलेक्शन कहां हो रहा है, डिफरेंट एनवायरमेंट, ऑस्ट्रेलिया बहुत ठंडी पड़ती है, अमेरिका में दूसरे तरह का एनवायरमेंट है, इंडिया में दूसरे तरह का एनवायरमेंट है, तो इंडिया में ही देखें तो साउथ में दूसरे तरह का एनवायरमेंट है। तो सारा जो एनवायरमेंट डिफरेंट है, उसी डिफरेंट में जो सिलेक्शन होता है, यानी जो हैबिटेट उसको, जिस हैबिटेट में उसको रहना है वहां पे वो सर्वाइव करता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। और ये नेचुरल सिलेक्शन डिपेंड करता है, फिर भी अगर हम बात करें नेचुरल सिलेक्शन, और ये नेचुरल सिलेक्शन आप चुके है सारा एक ही जगह का, एक ही पिताजी का, वो एक ही जगह से आया है, लेकिन चूंकि उसमें अलग अलग चीजें डेवलप हो जाएगी, कहां पे अलग अलग, चूंकि अलग अलग जगह पे रहने की वजह से, अलग अलग एनवायरमेंट में रहने की वजह से, उसमें वहां के हिसाब से उसमें कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होगा, लेकिन चूंकि वो एक ही एंसेस्टर का है तो उसमें सिमिलरिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी अगर एक ही, जैसे बंदर से हम लोग पैदा हुए, तो बंदर से अगर हम लोग मंकी से जो हमारा इवोल्यूशन हुआ, तो मंकी से ऑरेंगुटन का भी हुआ, चिंपांजी का भी हुआ, और हमारा भी हुआ। तो अगर हम देखें हमारा ऑरेंगुटन या चिंपांजी का जो सिमिलरिटी है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मंकी। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन एक ही सिमिलर स्पेसीज से होता है तो उसमें सिमिलरिटी ज्यादा होता है, और अगर अलग अलग होता है तो अलग अलग उसमें जो सिमिलरिटी है वो बहुत कम होगा। अब बात करते हैं कि जो बायोडायवर्सिटी हो रहा है वो स्पेसिएशन की वजह से हो रहा है, सेपरेशन की वजह से होता है। तो सेपरेशन दो तरह का होता है, अकर्स ड्यू टू स्पेसिएशन, यानी बायोडायवर्सिटी अकर्स ड्यू टू स्पेसिएशन, और स्पेसिएशन दो तरह का होता है, एक होता है एलोपैट्रिक, एक होता है सिंपैट्रिक। एलो मतलब डिफरेंट, यानी दो, और मान लीजिए हम सपोज इंडिया एंड चाइना,
तो इंडिया एंड चाइना जो दोनों सेपरेटेड है वो क्या है, माउंटेन की वजह से सेपरेटेड है। तो इधर का ऑर्गेनिज्म उधर नहीं जा सकता, उधर का ऑर्गेनिज्म इधर नहीं आ सकता है, और दोनों के बीच में कोई भी क्या नाम है कम्युनिकेशन नहीं है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एलोपैथिक स्पेशिएशन। इट इज जेनेटिकली सिमिलर स्पेसी, यानी उधर भी टाइगर होगा इधर भी टाइगर, उधर भी ह्यूमन इधर भी ह्यूमन, तो लेकिन नॉन ओवरलैपिंग एरिया, यानी एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, एक दूसरे के साथ शादी नहीं हो रहा है, ब्रीडिंग नहीं हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं एलोपैट्रिक। और सिमपैट्रिक, सिमपैट्रिक की अगर बात करें तो इसमें स्पेसीज तो सेम होगा लेकिन ओवरलैपिंग एरिया होगा, यानी इधर का स्पेसीज उधर जा सकता है, उधर का स्पेसीज इधर आ सकता है, इसी को बोलते हैं क्या, सिमपैट्रिक स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन दो तरह का होता है। अब बात करें तो बायोडायवर्सिटी जो है, बायोडायवर्सिटी जो होता है, बायोडायवर्सिटी होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब टाइगर एक साथ रहना पसंद करेगा, लायन एक साथ रहना पसंद करेगा, दिस इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। या यूं कह सकते हैं अरेंजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ अ स्मॉलर कंपोनेंट्स इनटू लार्ज वन, यानी एक एक क्या करेगा, छोटा छोटा टाइगर छोटा छोटा लायंस आपस में जो एक एक करके जुड़ेगा और बहुत बड़े बड़े पॉपुलेशन को बनाना शुरू करेगा, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। और यही ऑर्गेनाइजेशन जो कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज या पॉपुलेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोडायवर्सिटी। अब क्या एक जगह आया तो ब्रीडिंग आसान हो जाएगा, ब्रीडिंग आसान होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, बायोडायवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये हो गया क्या बायोडायवर्सिटी का, यहां से क्वेश्चन जो भी आना होगा फंस जाएगा। अब चूंकि बायोडायवर्सिटी है तो इतने ऑर्गेनिजम्स हम कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए अब चूंकि जैसे याद रखने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा नाम दिया जाता है जो पूरे वर्ल्ड में सेम हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। और ये नोमेनक्लेचर के थ्रू उस ऑर्गेनिजम्स का एक स्पेशल नाम दिया जाता है, ताकि उस ताकि पूरे वर्ल्ड में चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे आप रशिया चले जाओ, चाहे इंडिया में रहो, चाहे कहीं भी चले जाओ, उस ऑर्गेनिजम्स का या उस जो भी स्पेसीज है उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा, और वो नाम को बोलते हैं साइंटिफिक नेम, या उसी का दूसरा नाम है क्या साइंटिफिक नेम, या यू कह सकते हैं उसका यूनिवर्सल नेम कह सकते हैं। तो साइंटिफिक नेम या अगर प्लांट है तो उसको बॉटनिकल नेम कह सकते हैं, एनिमल है उसको जूलॉजिकल नेम कह सकते हैं। तो इसके लिए पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने एक कमिटी बनाई, अगर प्लांट को डिस्क्राइब करना होगा तो उसमें सिर्फ बॉटनिस्ट को भी लाया गया, जो एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे नोमेनक्लेचर करेंगे उसको क्या करेंगे एनिमल ग्रुप में, जो एनिमल साइंटिस्ट सब इकट्ठा हुए, इसी तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट का ग्रुप बना और वो ग्रुप डिसाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को कौन सा नाम देना चाहिए, जिसकी वजह से उसको पूरे वर्ल्ड में पहचानने में दिक्कत ना हो। जैसे समझ करें आम की बात करें तो आम हिंदी में आम, इंग्लिश में मैंगो, और भी कोई दूसरे भाषा में कुछ और उसका नाम है, तो जिसकी वजह आप इंडिया में ही चले जाइए अलग अलग एरिया में एक ही चीज, जैसे तालाब की बात करें तो इंग्लिश में पोंड, हिंदी में तालाब, और हरियाणा में उसको क्या बोलते हैं जोड़। तो ये सारी चीजें जो कि अलग अलग चीजें होती है तो क्या होता है उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर होगा उसका एक ऐसा नाम दिया जाए जो पूरे वर्ल्ड में सेम भी हो, यानी पोंड, पोंड मतलब पोंड भी होगा। यानी आम की बात करें तो मैंगी फेरा इंडिका उसका साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम भी कह सकते हैं, और आप किसी कोने में चले जाइए मैंगी फेरा इंडिका का मतलब आम ही होता है, वो सब लोग समझ जाएगा कि ये मैंगो की बात कर रहा है, ये मैंगी फेरा इंडिका की बात कर रहा है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर के बाद, नोमेनक्लेचर तभी संभव है जब किसी ऑर्गेनिजम्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करेंगे भाई ये प्लांट है कि एनिमल है कि वायरस है बैक्टीरिया है क्या है। तो जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक हम उस ऑर्गेनिजम्स का नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, तो उसी नोमेनक्लेचर में बहुत सारे क्या है इंटरनेशनल कोड बनाया गया, जैसे ICBN। ICBN का फुल फॉर्म यहीं से डीप और एम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा ये पांच से ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपको। इंटरनेशनल कोड ऑफ होता फोर नहीं होगा, ध्यान रखना इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल मतलब इस जो ये हमारा ICBN है, ये कोडिंग करने की जो इंस्टीट्यूट है यही कोड करता है, और जितने भी प्लांट होगा अगर हमें मान लीजिए कोई प्लांट मिला तो उस प्लांट का फोटोग्राफ खींच के हम इनको भेज देंगे और ये हमें उसका एक नोमेनक्लेचर दे देंगे कि ये इस वैरायटी का प्लांट है और इसका नाम ये है, तो उसको बोलते हैं
इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। उसी तरह से अगर कोई एनिमल का हमने डिस्कवरी किया है उसका नोमेनक्लेचर करना है, यानी साइंटिफिक नेम देना है, तो हम उसको ICJN को भेजेंगे। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और तीसरा है इसी तरह से ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर। इसी तरह से अगर आप बात करें ICNCP यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट, नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ICBACN इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। इसमें जितने भी बैक्टीरिया है उसका अलग अलग नोमेनक्लेचर किया जाएगा, अगर अलग अलग टाइप का होगा तो अलग अलग नोमेनक्लेचर किया जाएगा। तो ये नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने, ठीक है।